बताओ चित्रगुप्त, बताओ क्या क्या कर्म कांड किए हैं इन्होंने, क्या हुडंड काटा है पृथ्वी पर? अरे अरे मर गया मर गया, अरे अरे मर गया मर गया। चित्रगुप्त पीछे 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 मुड़, अब मार। चित्रगुप्त जी हाँ प्रभु बताइए। ये क्या मर मर कर रहे हो, किसको मार रहे हो तुम? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? जिसकी आयु समाप्त हो जाएगी वो स्वयं ही मर जाएगा। क्षमा करें प्रभु, पृथ्वी लोक पर मानव इसी तरह क्रीडाएं करता है, उन्हें देखकर मेरे दिमाग में भी क्रीडा करने का कीड़ा उत्पन्न हुआ है। चित्रगुप्त ये मर मर करके कौन सी क्रीडा होती है? अगर मारना ही है तो अपने दिमाग के कीड़े को मारो। जी प्रभु क्षमा करें, वो मैं पबजी खेल रहा था। तुम पबजी ही खेलते रहोगे क्या? जल्दी इन अपराधियों के अपराध का पिटारा खोलो जरा। प्रभु ये आगे वाला जो है डाकुओं का सरदार है। उत्तम अति उत्तम, कुछ पूछो इससे। हे डाकू मानव, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? ले भैया ओम फो, क्यों तुमने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? शादी करवानी है मेरी? असभ्य मानव, ये यमलोक है, मर्यादा में रहो वरना गरम तेल की कढ़ाई में डालकर तुम्हारा ले भैया ओम फो निकाल दूंगा। अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं शिक्षा प्राप्त करता तो डाकू ही क्यों बनता? चित्रगुप्त इसके पापों के बारे में बताओ हमें। प्रभु ये औरतों को लूटने का काम करता है, ये उनके गहने और इज्जत सब कुछ लूट लेता था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी आदमी को नहीं लूटा। क्या औरतों से इसकी कोई विशेष शत्रुता थी क्या? इतना ही नहीं प्रभु, ये स्त्रियों को अपने घोड़े के नीचे रौंद कर उनकी जान ले लेता था। अद्भुत चित्रगुप्त अद्भुत। हे स्त्री विनाशक, तू डाकू ही क्यों बना? डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, इंस्टा रील्स पर लड़की बन जाता। अरे साहब डाकू बनने में भी कम रिस्क नहीं है, कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी गोली इसके अंदर, बहुत कुछ हिसाब रखना पड़ता है। ये तो है प्रभु, काम तो ये भी रिस्क वाला ही है। और फिर मैं छोटा मोटा तो डाकू था नहीं, डाकू गब्बर सिंह जो था वो चेला था मेरा, मैंने ही उसे डाकूबाजी सिखाई थी। बंद करो अपना ये प्रलाप, तुम मेहनत करके भी तो कुछ कमा सकते थे। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत है प्रभु। इसका मतलब तुमने कभी मेहनत करने की चेष्टा नहीं की? नहीं प्रभु, मैंने मेहनत करके एक बार भट्टे पे काम किया था। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मैं मार्केट गया सब्जी लेने, मेरी जेब काट ली किसी ने। स्त्रियों के साथ बहुत जुल्म किया है तूने, इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। मैं किसी स्त्री के साथ क्या जुल्म करूंगा, मेरी खुद की स्त्री तो खुद कालिया के साथ भाग गई। चित्रगुप्त जरा हमें भी कालिया के बारे में बताओ। प्रभु ये कालिया है, ये हमेशा अपने सरदार की बात करता है, यही ले गया था इसकी लुगाई को। क्यों रे, दूसरे की लुगाई पर गंदी नजर रखते हुए लज्जा नहीं आती? अरे प्रभु वो इसकी बीबी नहीं थी, हमारी टीम के लोगों ने किडनैप किया था उसको, सरदार ने उसे जबरदस्ती बीबी का दर्जा दे दिया। और प्रभु ये तीसरा मानव, इसका दूसरा साथी है, ये हमेशा सरदार के सपोर्ट में रहता था, ये भी इसकी लुगाई को भगाने की फिराक में था, पर इससे पहले कालिया हाथ मार गया। गलती कालिया की ही नहीं है सरदार, तेरी तो पूरी टीम ही खराब है। यमराज जी इसी टीम की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। और चित्रगुप्त ये औरत कौन है? प्रभु यही तो है वो अबला नारी जिसके पीछे ये डाकू गैंग पागल है। चोरी, जब तुझे सरदार ने बीबी का दर्जा दे दिया था तो कालिया के साथ मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ये सरदार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द निकला, इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द निकला। और ये सरदार का सपोर्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रभु ये जिस वक्त मरा था तब ये भांग की नशे में था, इसे तो अपने मरने का पता भी नहीं है। सरदार घोड़े निकालो, आज गर्ल्स हॉस्टल पर धावा बोलते हैं। देखा प्रभु ये अब भी भांग के नशे में है, इसे नहीं पता ये मर गया। चित्रगुप्त इसको बताओ ये मर चुका है। हे मानव तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। ये नौटंकी कौन है सरदार, किसी राजमहल पर धावा बोला है क्या? तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डालो इसे, तभी होश में आएगा ये। जो आज्ञा प्रभु। अरे क्या चित्रगुप्त ये भी कोई तांत्रिक है क्या, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु लैपटॉप में देखता हूँ। प्रभु अभी इसके मरने में 2 दिन शेष है, यमदूत इसे पहले ही उठा लाए। यमलोक में हर कार्य समय के अनुसार ही होता है, ये समय इसके दंड पाने का नहीं है। तो 2 दिन में तो ये तबाही मचा देगा, अब तेल गिर गया इसमें डालो। प्रभु तेल तो समाप्त हो चुका है, उस दिन वो चंड मुंड पी गया था सारा। ओ लुगाइयों के लुटेरे, तू ही बता दे कैसे कंट्रोल करें इसे। अपना ये आभूषण उठा कर मुझे दे दे वरना फायर खोल दूंगा।
प्रभु बचाओ इस नौटंकी से। हे मानव, तुम अब डाकू नहीं हो, एक आत्मा हो, और ना तुम इस वक्त पृथ्वी लोक पर हो। कालिया मेरी बंदूक ला और छीन ले इससे सारे सोने के मुकुट। अबे यहाँ बंदूक रखी है, बबला कर दिया तू, तू यमलोक में है। अरे प्रभु मेरी गर्दन में छेद खोल देगा ये। 2 दिन तक ये इसी अवस्था में रहेगा। मैं तो बोलता हूँ इसके सरदार को भी लटका उल्टा। अरे नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ, पृथ्वी पर नाम है मेरा, और तुम्हें मेरे नाम का खौफ था। हम यहाँ तुम्हारे सौर और पंचम की गाथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप कालिया से पूछ लो, औरतें तो मेरे नाम से ही बेहोश हो जाती थी। प्रभु बकवास कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले ही औरतों ने चप्पल से इसका मुंह पीटा था। कालिया क्या ये भी झूठ है कि जब हम किसी बंगले में कदम रख देते थे तो बंगले का मालिक हमें बंगले की चाबी सौंप देता था हमारे खौफ से। हाँ ये तो सच है, और ये भी बोल के जाता था कि जरा बंगले की सफाई अच्छे से करना। कालिया इतने गिरे हुए हम नहीं जितना तू चित्रगुप्त के सामने हमें गिरा रहा है। सही बोलूं तो तुम सही मायनों में सरदार की पदवी संभालने के लायक ही नहीं थे। कालिया अपनी औकात मत भूल, ये जमाना जानता है कि हम गब्बर के गुरु थे। अरे ये तो तुम्हारी ही फैलाई हुई अफवाह है, वरना गब्बर जैसा डाकू तुम्हें गुरु बनाएगा। भूल गए, उसने तुम्हारा मुंह काला करके गांव में घुमाया था जब बच्चे भी तुम्हारा पजामा निकाल कर भाग गए थे। कालिया तू यमलोक में भी मेरी बिज्जती करने से बाज नहीं आया। बस बहुत हुआ ड्रामा, ये यमलोक है, तुम्हारे ससुराल नहीं। चित्रगुप्त इन सबको दंड दो इसी वक्त। जी प्रभु बताइए क्या दंड देना है इनको। जल्द ही इनको यमलोक की लावा नदी में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मुझे जाने दो, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। चुप रह दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा फुल हो गया है, जा अग्नि में नहा। क्या नहीं आ, ये तो बहुत ही गर्म लग रहा है। ए नारी, तू है सब पे भारी, तूने जो अपराध किए हैं, जा ले ले उनका फल। नहीं मुझे छोड़ दो प्रभु। नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं ले भैया, ओफो आग में कूदूंगा तो धर्राटे काटूंगा। सही आई, बहुत गर्म है ससुरी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई PM वेब सोल्यूशन .in। इस साइट के थ्रू आप अपने छोटे बड़े बिजनेस के लिए अच्छे से अच्छे वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर के कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको हमारी तरफ से 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए बनवाइए वेबसाइट और अपने काम को ले आइए ऑनलाइन आज ही, वो भी सिर्फ कम दामों में।